हेलो गाइस, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के है, जो कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जोन की तरफ से निकल के है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी अप्लाई क्रिया क्या रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली, कौन कौन से गेम की वैकेंसी निकल के आई है, उन गेमों में कौन से इवेंट की वैकेंसी निकल के और इवेंट में मैन एंड वुमेन में कितनी वैकेंसी निकल के आई है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, प्लस क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट इसमें मांग रखे स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए, इस रिक्रूटमेंट में क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑल गाइज हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइज आपके लिए मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो, स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, जैसे स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट में CSF, BSR, रेलवे, इनकम टैक्स, CRPF, यहाँ तक कि जो नॉर्मल कोटा के अंदर रिजर्व होता है स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, वो भी टाइम टू टाइम मेरे द्वारा मेरे चैनल पर ऑथेंटिक तरीके से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट का छोटा से छोटा अपडेट, जैसे कि ट्रायल लिस्ट, मेडिकल लिस्ट, एलिजिबल, नॉन एलिजिबल, फाइनल मेरिट लिस्ट, एडमिट कार्ड, प्लस स्पोर्ट्स कोचिज की वीडियो भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है, आपको जो ऑल कॉन्सेप्ट है ऑल क्लियर किया जाता है। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि ये रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जो कि अपने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से निकल के आया है। तो गाइस, बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो 20 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अप्लाई करिएगा इस ऑफलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपको नीट एंड क्लीन करके सेंड करना है, कोई गलती नहीं करनी, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना, सारे डॉक्यूमेंट आगे बात करेंगे क्या क्या अटैच करना है, ठीक है। और गाइज, ये आपको बिना स्किप किए वीडियो देखने ताकि आपका ऑल डाउट ऑल क्लियर हो सके, ठीक है। अप्लाई करिए ऑफलाइन, लास्ट डेट इसकी 20/9/2023 रहने वाली है, शाम 5 बजे से पहले आपको सेंड करना है। 20 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइज, अब बात करें गेम की, तो बास्केटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, इन 3 गेम की वैकेंसी निकल के आई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब बात करें मैन एंड वुमेन की, तो गाइस बास्केटबॉल के अंदर मैन की निकल के आई है, ठीक है। इवेंट की बात करें तो ऑलराउंडर की निकल के आई है और 2 वैकेंसी गाइस इसमें निकल के आई है, और हॉकी मैन में निकल के आई है 3 वैकेंसी, जो कि फॉरवर्ड की निकल के आई है, एंड हॉकी वुमेन में निकल के आई है 2 वैकेंसी फॉरवर्ड की, रेसलिंग मैन में निकल के आई फ्री स्टाइल की, वेट कैटेगरी की बात करें तो 86 वेट कैटेगरी की निकल के आई गाइज, जो कि 1 वैकेंसी निकल के आई, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। टोटल 8 वैकेंसी गाइज इसमें निकल के आई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइज, जो इस गेम से रिलेटेड है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, ये वाले गेम अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर ये नहीं कि एथलेटिक्स वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको जरूर देखना है कि एथलेटिक्स इसमें नहीं है तो आपको अप्लाई नहीं करना। अब फिर भी आप अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा, आपका फीस वेस्ट होगी, कोई फायदा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो जो इस गेम से रिलेटेड है, बास्केटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, यही गेम वाले अप्लाई इसमें करें। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और गाइस इसमें कोई आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, ये प्योरली रेलवे की तरफ से प्योरली स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए ये स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, ठीक है। आप 10th पास है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट इसकी टेक्नीशियन 3rd की है, ठीक है। यदि आपने 10th प्लस ITI कर रखी है, जो कि गारंटेड बाय NCVT से है, इन रेलिवेंट ट्रेंड से कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि गाइस आप 10th खाली 10th बेस पे आप अप्लाई करते हो तो आपको जो ट्रेनिंग पीरियड है 3 ईयर्स का रहेगा, यानी 3 साल का रहेगा। 10th प्लस ITI बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो तो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है कम हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की इसके अंदर पोस्ट निकल के आई है, +2 बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि इन हिंदी, इंग्लिश, ऑन कंप्यूटर इनिशियल है, ठीक है। तो इसके गाइस एज लिमिट क्राइटेरिया में कोई इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल प्योरली रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट ये निकाली जाती है। तो अब बात करें गाइस स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, ठीक है। लेवल 2 में रहने वाली देख सकते हो गाइस, वर्ल्ड कप जूनियर यूथ सीनियर कैटेगरी, वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी, एशियन गेम्स सीनियर कैटेगरी, कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर कैटेगरी, यूथ ओलंपिक चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी आपने रिप्रेजेंट कर रखा है। ये सारे गाइस जितने भी मैंने टूर्नामेंट बताए, सारे के सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं, इसमें आपका मेडल है या पार्टिसिपेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें और में, एटलीस्ट 3rd पोजिशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग चैंपियनशिप,
कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, सैफ गेम जिसे हम साउथ एशियन फेडरेशन कहते हैं, UICC वर्ल्ड रेलवेज, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इसके अंदर आपकी एटलीस्ट थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है, जो कि अपनी फेडरेशन कंडक्ट करवाती है, सीनियर यूथ जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल करवाती जो अपनी फेडरेशन कंडक्ट करवाती है, ठीक है, उसके अंदर आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेशनल गेम्स के अंदर आपका एटलीस्ट थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंटरनेशनल में आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन अप्लाई नहीं कर सकता गाइस, डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रिक्ट मेडल वाले नहीं अप्लाई कर सकते, ना स्टेट मेडल वाले कर सकते, ना स्टेट पार्टिसिपेशन वाले नहीं कर सकते, ना नेशनल पार्टिसिपेशन वाले भी नहीं कर सकते, ठीक है, इनको अप्लाई नहीं करना है गाइस। आप नेशनल पार्टिसिपेशन हो तो आप अप्लाई करो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा, ठीक है। तो जो मैंने ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट बताई वही इसमें वाले अप्लाई करें। और गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक वहाँ से इसको डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर क्राइटेरिया, हालांकि मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल से, फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। अब बात करें गाइस इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 500 रुपीज़ इसकी आपकी फ़ीस लगने वाली है, SC ST वालों के लिए 250 है, जो कि आपकी रिफ़ंड करी जाएगी, वो जब की जाएगी जब आप सिलेक्शन ट्रायल कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी शुड चेक देयर एलिजिबिलिटी थ्रोली बिफोर अप्लाइंग फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो आर इन एलिजिबल बट स्टिल अप्लाई शैल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। तो गाइस जैसे आप, जैसे मैंने अभी स्पोर्ट्स अचीवमेंट जितनी भी बताई है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशन होगी तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, यदि प्राइवेट सेक्टर वाले इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप ट्रायल के दौरान आपको नहीं बुलाया जाएगा, ये सारी की फ़ीस आपकी चली जाएगी, ठीक है। ट्रायल के दौरान आप एलिजिबल हो जाते तो आपको रिफंड करा जाएगा ट्रायल के दौरान, ठीक है, और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको कोई फीस इसमें रिफंड नहीं करे जाने वाली, ठीक है गाइस, आप इसमें लिख रखा है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अप्लाई के लिए गाइस ऑफलाइन है, हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हो, मैंने शुरू में बताया था हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन है, और इसी PDF में आपको मैं फॉर्म भी उपलब्ध करा दी जाएगा, जो कि आप देख सकते हो 20 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, शाम 5 बजे से पहले आपको सेंड करना है, जो कि आप देख सकते हो एनवलप पे गाइस आपको लिखना है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फॉर दिस ईयर 2023-24, और गाइस आपको पोस्ट क्या करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट साधारण डाक से आपको सेंड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर बाय रजिस्टर्ड AD विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यदि आप रजिस्ट्री पोस्ट या कोरियर पोस्ट करते हो तो आपका फॉर्म ये जो डॉक्यूमेंट है भेजते हो तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, साधारण डाक से आपको सेंड करना है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं दी एप्लीकेशन शुड सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, एप्लीकेशंस सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर बाय रजिस्टर्ड AD विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ये गाइस इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं, जैसे कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, ये गाइस इंस्ट्रक्शन से आपको अच्छी तरह पढ़ लेने। और गाइस ये हमारा ये फोरम है जो कि आपको बिल्कुल ईजी फोरम है, कोई इसमें हार्ड टफ नहीं है, नेम है आपका, गेम है, ये आपको आपका फादर नेम एड्रेस ये सब कुछ लिख के सेंड करना है, ठीक है, कोई गलती नहीं करनी, नीट एंड क्लीन करके सेंड करना है, कोई ओवर कटिंग नहीं करनी गाइज, आपको ओवर कटिंग कर दोगे तो इरिटेट होंगे जो चेक करने वाले होंगे, ठीक है। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स अचीवमेंट और जिस कास्ट से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, ठीक है, और सारे सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करने हैं, ओरिजिनल नहीं आपको सेंड करना, फोटो कॉपी सेंड करनी है, ओरिजिनल मत कर देना, ठीक है। और गाइज इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर इसमें लिख भी रखे होंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, आपको मैं दिखाई देता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, SC ST OBC EWC ET ऑन द डेट ऑफ ट्रायल एंड इंटरव्यू इन मैडेटरी विदाउट विच दे विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द ट्रायल इंटरव्यू सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज। और गाइज जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है ना तो आपको बुलाया जाएगा जिस दिन आपका ट्रायल होगा। ट्रायल के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो आप इसके अंदर लिख भी रखा है दी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी एज फॉलोज, दी एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय पोस्ट फॉर ट्रायल
रिक्रूटमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल, द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड फिट बाय ट्रायल कमेटी विल बी कंसिडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, तो गाइस आपको जो आपने पोस्ट कर दी वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म बिल्कुल जेन्युइन बिल्कुल सही निकलेगा तो आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। उस ट्रायल में आपको देखा जाएगा जिस गेम से आप हो, बास्केटबॉल से हो, हॉकी से हो, रेसलिंग से हो, उसका आपका ट्रायल कराया जाएगा। ट्रायल के दौरान आपको देखा जाएगा आपके अंदर कितना स्टेमिना है, कितना स्पीड है, कितना एंडोरेंस है, कितनी सहन क्षमता है, सब कुछ देखा जाएगा। और जो कि कोच ऑब्जर्वेशन करेगा उसके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब यदि आप ट्रायल के दौरान एलिजिबल हो जाते हो, पास हो जाते हो, तो आप फिर इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्शन हो जाता है आपका। ठीक है, जो कि इंटरव्यू स्टेज पे आप चले जाते हो। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस का है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स आपको सेंड करना है। तो गाइस ये अपनी रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट निकल के आए जो कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से निकल के आए। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गाइस आप तक पहले और तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है जो कि स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से है, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे वहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा। हालांकि वहाँ नहीं होता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक वहाँ से इसको जुड़े और इस चैनल से भी जुड़े। और गाइस इस चैनल पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करा जाता है और जल्दी तुरंत करा जाता है यहाँ पे भी स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स चैनल टेलीग्राम में। तो गाइस इस चैनल से भी जुड़े और इस चैनल को भी प्यार दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।